लग जाए तो उसका प्रोसेसिंग वो स्लो कर देता है। तो फुल हेयर में हम लोग पहले प्री ट्रीटमेंट एप्लीकेशन करेंगे। ज़्यादा मोटा मोटा सेक्शन लेके आप लोग लगा सकते हैं। फुल हेयर में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। सो ऐसे करके हम लोग ऑल ओवर हेयर में प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हुए हम लोगों को प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करना है। छोटा छोटा सेक्शन लेके एप्लीकेशन करेंगे। सॉरी गाइस, आप लोग अगर बर्ड का साउंड सुनाई दे रहा है तो वॉइस मैं ज़रा सा अपना घर में जाके उसका वॉइस एडिटिंग करता हूँ। तो आपको अगर डॉगी का या फिर बर्ड्स का कोई साउंड आए तो इसके लिए सॉरी। तो ऐसे करके हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। कोशिश करना आपको ये 20 मिनट के अंदर फुल हेयर में एप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि क्रीम यूज़ होने के साथ साथ ही उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता हो जाता है। सो आपको जितना फास्ट हो सके आपको एप्लीकेशन करना है। अगर हो सके तो किसी को हेल्प के लिए ले लीजिएगा। सो ऐसे करके हम लोगों को फुल हेयर में एप्लीकेशन करना है।
तो यही सेम टेक्निक से आपको फुल हेयर में प्रोडक्ट पे एप्लीकेशन करना है। मैंने फुल हेयर का प्रोसेसिंग नहीं दिखाया क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो ऐसे करके आपको ऑल ओवर हेयर में प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे बॉन्ड चेक। जब भी आपको ये स्प्रिंग दिख जाए मतलब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे सिंपल पानी से हेयर वॉश। सो आपको पहले फुल हेयर से प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद मिक्सिंग करेंगे स्मार्ट बॉन्ड 30 ml वाटर एंड 10 ml स्मार्ट बॉन्ड। पहले 8 ml, उसके बाद 2 ml लेके 1:3 मिक्सिंग रेशियो के साथ मिक्स कर लेंगे हम लोग। सो हम लोगों का जो मेजरमेंट आएगा वो 40 ml तक लाएगा। तो हम लोगों को पहले क्रीम हेयर वॉश हो जाए, उसके बाद वाटर निकाल लेना है हेयर से, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको। उसके बाद हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे हेयर को और स्मार्ट बॉन्ड स्टेप 1 को एप्लीकेशन कर देंगे पूरा हेयर में। तो ऐसे करके आपको फुल हेयर में प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करना है, मतलब जो मिक्सर को हम लोगों ने बनाया है पानी और स्मार्ट बॉन्ड के साथ, उसको एप्लीकेशन करके 10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग रिंग्स आउट करेंगे। इसके बाद आप लोग मास्क लगा के भी रख सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आपको लगे क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एप्लीकेशन करेंगे, वरना स्मार्ट बॉन्ड लगा के भी छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद करेंगे हम लोग हेयर को ब्लो ड्राई करेंगे। पहले सिंपल ड्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने का एक बेनिफिट यही है कि आपको आयरन अच्छा तरह से करने को मदद मिलेगा।
जितना जल्दी एप्लीकेशन करेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो अगर कुछ हेयर में एप्लीकेशन ज़्यादा देर रह जाएगा तो वो हेयर फ्रीजी हो जाने का डर रहता है। सो हम लोगों को पहले न्यूट्रीलाइजर एप्लीकेशन क्विक करना है, एप्लीकेशन के साथ साथ कॉम करके हम लोग इसको स्ट्रेट वे में छोड़ेंगे। सो न्यूट्रीलाइजर में कभी आपको कंजूसी नहीं करना है, जितना हो सकेगा एप्लीकेशन कीजिएगा कि पूरा हेयर में प्रॉपरली क्रीम को एप्लीकेशन करना है हम लोगों, और स्ट्रेट करके छोड़ के रखना है। सो ऐसे करके हम लोगों को होल हेयर में न्यूट्रीलाइजर एप्लीकेशन करना है। तो एक बार फुल हेयर में न्यूट्रीलाइजर एप्लीकेशन हो जाए उसके बाद हम लोग 10 मिनट वेट करेंगे। इस दौरान क्लाइंट को एकदम मूव करने के लिए मना कर दीजिएगा, पूरा स्ट्रेट उनको रखना है इसको हेयर को। उसके बाद हम लोग करेंगे हेयर वॉश। सो पहले हम लोग पानी से पूरा न्यूट्रीलाइजर को रिंस आउट करेंगे। तो पूरा न्यूट्रीलाइजर रिंग्स आउट हो जाए हेयर से, उसके बाद हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे हेयर को। फोर सेक्शन में डिवाइड करके हम लोग स्मार्ट बॉन्ड का स्टेप 2 एप्लीकेशन करेंगे। तो इसको भी हम लोगों को लेंथ में एप्लीकेशन करना है। सो पूरा हेयर में लगा के हम लोगों को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है हेयर को। उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट को रिंग्स आउट कर लेना है। पानी से हेयर वॉश करने के बाद हम लोग करेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई सेटिंग, देन नाउ सी द रिजल्ट। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So thank you very much for watching my video. Thank you.